हमारे साथ पीजे मीर साहब हैं, साबिक क्रिकेटर, उनको भी शामिल है गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे पीजे साहब आपको। पीजे साहब, क्या समझते हैं खेल दे पाएगी पाकिस्तान शाहीन? देखिए, ये पहला मैच है, लड़के एक्लेमेटाइज होंगे अभी, आप उनको टाइम दें। अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल सायम अयूब को ले लो, वो 5 गेंदें खेला है बेचारा और आउट हो गया अपने डेब्यू के ऊपर। देखो ना, इरफान और साइम ने दोनों ने डेब्यू किया है, इसमें भी मैं आप बात करूंगा अभी, लेकिन द क्वेश्चन इज के हमें साइम को अभी इनकरेजमेंट देने है। ये वन डे है, ये टेस्ट मैच नहीं है, वन डे है। और इसके अंदर जो कोच है इस वक्त, जो स्टैंड इन कोच है या इस वक्त करंट कोच है गिलेस्पी, उसको चाहिए कि साइम को बहुत उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। मुझे पता है कि पास डेब्यू किया था मैंने, दोनों इनिंग्स में 0 किए थे, दोनों इनिंग्स में। तो मुझे तो गोल्डन पेयर मिला, लेकिन मुझे किसने इनकरेज किया? हनीफ मोहम्मद ने। कोई फर्क नहीं है, खेलोगे आगे, खेलोगे अगले मैच में। अच्छी ये आप बात ठीक करें कि मौका मिलना चाहिए, एतमाद करना चाहिए अपने खिलाड़ियों पे। 3 वापसियां भी हुई हैं, बाबर हो, शाहीन हो, नसीम हो, इन्हें रेस्ट के बाद दोबारा से शामिल किया गया। क्या लगता है, मोराल इनका बुलंद होगा या थोड़े से अंडर प्रेशर खेलेंगे? ये बिल्कुल ये जुनैद, ये होता है कि जब आप इसको रेस्ट देते हो, फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 टेस्ट के अंदर आपने अब द क्वेश्चन इज के बाबर को अब एक थोड़ा सा एक रिफ्रेश होके अंदर जाएगा, वो खेल रहा है, रिफ्रेश अंदर जाएगा, एंड ये ना एक्सपेक्ट करें कि बाबर जाके 100 कर जाए, सट गिव हिम टाइम। अब वो दोबारा रिवाइव, और ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है जब आप एक इतना, बाबर बहुत बड़ा बैट्समैन है, बुरे पैचेस आते हैं, बेस्ट से बेस्ट पे, हमने सिर्फ ये करना है कि उसको इनकरेज करते रहना है। अगर हम उसको क्रिटिक करेंगे, that is not the answer, is encouragement. So let's hope पीजे सब, नई टीम, नई कयादत, क्या नई मैनेजमेंट के साथ आप समझते हैं कि आप जो कॉम्बिनेशन खिलाया जा रहा है वो किस हद तक सही साबित होगा? क्योंकि इससे पहले तनकीद का जो है वो जद में रही है टीम भी और मैनेजमेंट भी, कि बार बार जो है मैनेजमेंट भी चेंज होती है, बार बार खिलाड़ी भी तब्दील होते हैं। आप क्या समझते हैं, जो खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं वो ठीक है? देखिए, ये तो अब आपको वक्त बताएगा कि गिलेस्पी ने कैसे बनाए हैं, क्या कैप्टन की कैप्टन के साथ मिलके किया है, क्योंकि हमेशा टूर के ऊपर भी जो कैप्टन होता है वो कोऑप्ट होता है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और जो कैप्टन है आपने उसको भी इनकरेज करना है। नया कैप्टन है, पहली सीरीज है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब देखो ना, मिचेल स्टार्क ये खेल के आया है शेफील्ड शील्ड के अंदर, इसने 7 आउट किए हैं अभी, 7 आउट करके, और फिर आप इसके ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे खेलना, और साथ ही उसने डेब्यूटेंट जो बड़ा अच्छा प्लेयर है सायम अयूब, उसको आउट कर दिया। सो द क्वेश्चन इज के हमने इनकरेजमेंट का लेवल कितना रखा हुआ है। इनकरेजमेंट की बात होती है, पहले कहा, याद रखें कि ये जो सायम और इरफान जब आए हैं तो जो कैप्स देते हैं वो हमेशा कैप्टन देता है टीम का, ये वसीम अकरम ने दी। आपने बात की मीर साहब, रिजवान को कप्तानी सौंपी गई है, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हुए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते रहे हैं वो माजी में, इस बार टीम की कप्तानी करें पाकिस्तानी टीम की, क्या तवक्कुआत हैं और कितना टोटल होना चाहिए आज के मैच में आपके ख्याल में? उसको बहुत होना चाहिए, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें होती, क्रिकेट की ट्रेडिशन आपको कहती है कि जो भी लड़का पाकिस्तान के लिए खेलता है, जो कप्तान होता है वो आपको कैप देता है, हमेशा कप्तान कैप, किसी लेवल पे आप क्रिकेट खेल लो, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उसको देना चाहिए था। ये तनकीद बराए तामीर है, ये तनकीद बराए तनकीद, तो हमने ट्रेडिशन भी मेंटेन करनी है, ये नहीं कि एडोकिज्म पे कोई आया तो उसको कह दो ये कर दो वर्क कर दो। वसीम बहुत बड़ा प्लेयर है, बट ट्रेडिशन। अब ये जो अब आपने कहा कॉम्बिनेशन, ये टीम कॉम्बिनेशन, अब देखो पहला मैच है, इसके अंदर इनकी कॉम्बिनेशन, गिलेस्पी जो है वो उसको बड़ा केयरफुली स्टडी करेगा और आगे देखेगा क्या हो। डोंट फॉरगेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी विकेट्स हैं, आज कूल बड़ा ठंडा आप कह लो कि उस विकेट के ऊपर उन्होंने चूज किया कि वो फील्ड करेंगे, सो दे अंडरस्टैंड द विकेट, उनकी एक होम ग्राउंड है, वहां शेफील्ड शील्ड खेलते हैं, इंटरनेशनल्स खेलते हैं। सो अगेन मैं पाकिस्तान को यही कहूंगा कि कंटिन्यू एंड फाइट हार्ड। अच्छा पीजे साहब, आप कहते हैं कि इनकरेज जो है वो अपने प्लेयर्स को करना चाहिए, परफॉर्म जो है वो फिर उसके बाद ही करेंगे। हमने ये भी देखा कि मुसलसल टीम में खिलाए जाने के बावजूद भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, इनकरेज किया जाना, यही तो है कि आपको बार बार टीम में मौका दिया जाता है, आपको बार बार खेलने का मौका दिया जाता है, आपको टीम में शामिल किया जाता है, इसके बावजूद जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाता तो जो बैड पैच है ये कब तक चलता रहेगा? फिर तो तनकीद होगी।
विशाल यही तो चीज है कि हम कहते हैं कि हर लड़का आएगा, जो भी ये साहिब आया, इरफान है या कोई भी आ जाए या बाबर आ जाए, इन्होंने 100 करना है, 70-80 करना है, ये नहीं होता। क्रिकेट लेवलर है। अब देखो हम कितनी बाबर की करें, बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास है, नंबर टू है, कोहली के बाद है, कोहली सब मिल जाएगा। अब उसका बैट मैच आया, सब उसके पीछे पड़ गए, देखो जी सेल्फिश प्लेयर है, ये है, वो है, फलाना फलाना। देखो आपने कंसिस्टेंसी अपनी दिमाग के अंदर डालनी है। ये कैसे डालनी है? सिलेक्शन कमेटी ने। हम हर जगह बैठ के चेयरमैन को अब ठीक है, सिर्फ तनकीद से काम नहीं चलेगा, मौका दिया है तो उसको अब उन पर एतबाद भी करना चाहिए और उन्हें भी परफॉर्म करना चाहिए। कोई ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है हमारा कैंगरूज के वतन में जाके उन्हें हराने के हवाले से, लेकिन क्योंकि अभी 2 टेस्ट मैचेस जीतने के बाद मोराल हाई होगा यकीनी तौर पर हमारी टीम का, क्या तवक्को की जा सकती है? कितना टोटल होगा जो कि मुश्किल पैदा कर सकता है आपके ख्याल में आज? जुनेद, ये जो पिछले 2 मैचेस जीत गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि अब पाकिस्तान के पास फ्रेंचाइज आई है। पाकिस्तान शुटकटी चले गए, वो उनके किट में चले गए इस सीजन के। आपने देखना है कि अब आज क्या आप करोगे या कल क्या करोगे। टेस्ट मैच आपने नई नई स्ट्रेटेजी जो इन विकेट्स पे उन्होंने किया है, क्या ये ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे कर लेंगे? ये नो, दे हैव टू हैव अडैप्टेबिलिटी, और अडैप्टेबिलिटी के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी, टीम स्ट्रेटेजी होती है कि कौन बाउंसिंग बॉल को खेलता है, कौन किस तरह खेलता है। तो ये कैप्टन को तो मैं इतना नहीं कहूंगा, बेचारा नया नया आया है, लेकिन और पहला सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर किन विकेट्स पे खेलता रहा है, किन विकेट्स पे जाके कप्तानी करे, ये आपका एक लिटमस टेस्ट है। गिलेस्पी, जेसन गिलेस्पी जो है वो वहां, उसको पता है ऑस्ट्रेलियन को कि उसकी कंडीशंस क्या है, वो किन किन लड़कों की है और कैसे वो खिलाता है, ये स्ट्रेटेजी उसकी सही हो जाएगी, आपका टीम कॉम्बिनेशन इज मैच विनर। मैच विनर प्लेयर्स कौन से हमारी टीम में आपके ख्याल में, क्योंकि हमने कुछ तब्दीलियां जो की हैं, कामरान गुलाम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ नए भी हैं, आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर नजरें होंगी ऑस्ट्रेलियंस की भी? या मेरी तो नजर हसनैन पे होगी, उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी पे होगी, नसीम शाह का अच्छा कमबैक है, ये लड़के बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोंट फॉरगेट ऑस्ट्रेलियंस हमेशा फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि वहां की वहां क्रिकेट ही फास्ट होती है, बड़े कम उनके स्पिनर्स निकलते हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ले लो, ये बड़े कम निकलते हैं इन फास्ट बॉलर्स। सो फास्ट बॉलिंग के ऊपर जिस तरह ये स्टार्क और कमिंस अब आ रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपने प्लेयर्स देखो, अच्छा इनकी स्ट्रेटेजी देखो, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को इन्होंने रेस्ट किया किस पे? मैटरनिटी लीव पे। ये होती है भाई, आप उसको भी रेस्ट दो ताकि उसका फैमिली का भी साथ चलता रहे और साथ ऑस्ट्रेलियन या पाकिस्तानी ड्यूटी के जो प्लेयर्स हैं, लेट देम गेट ऑन एंड डू देयर बेस्ट फॉर देयर ओन कंट्रीज। ये अच्छा कॉन्टेस्ट है।